1947, बंटवारा, दो मुल्कों का। कहते हैं कि हर बंटवारा अपने पीछे कुछ विवादों को छोड़ आता है। ऐसे ही कुछ विवाद भारत पाक बंटवारे के पीछे भी छूट गए। मैं वो इंसान हूँ जो नमक हिंदुस्तान का खाता हूँ, लेकिन जीत पाकिस्तान की चाहता हूँ। गदर 2 बनाने की हुई घोषणा। इस फिल्म में सनी देओल के अपोजिट किसे कास्ट किया जा रहा है? गदर 2 को क्यों 1000 करोड़ी फिल्म के तौर पर देखा जा रहा है? सनी देओल को एक्शन का बाप क्यों कहा जाता है? किस धोखे की वजह से सनी देओल ने सोलो लीड फिल्में करना शुरू किया? सिंह साहेब द ग्रेट फिल्म की कहानी क्या है? सनी देओल का सबसे पसंदीदा गाना कौन सा है? आपका स्वागत करते हैं बॉलीग्राड के गलियारे में। सनी देओल की 2001 में रिलीज हुई फिल्म गदर आज भी लोगों के जहन में एक परफेक्ट रोमांटिक फिल्म के रूप में समाई हुई है। लेकिन जब बात आई गदर 2 बनाने की, तो सनी देओल के साथ निर्देशक अनिल शर्मा भी पीछे हट गए थे। लेकिन अब उनका मानना है कि गदर 2 का निर्माण होना चाहिए, क्योंकि गदर का जो चार्म है वो आज भी लोगों के जहन में जिंदा है। यही कारण है कि गदर के लिए लोगों के मन में वही प्यार और रोमांटिक छवि विद्यमान है, वो आज भी लोगों के मनस पटल में धूमिल नहीं हो पाई है। वैसे तो अनिल शर्मा जी का कहना है कि गदर का सिक्वल बनाने लायक कहानी मिल गई है और सनी देओल के अपोजिट किसी नए हीरोइन की तलाश जारी है। कम से कम फिलहाल तो उनका यही डिसीजन है। एक इवेंट के दौरान सनी देओल से मीडिया ने पूछा कि उनका 2.5 किलो का हाथ आज भी 2.5 किलो का है क्या? इस पर सनी देओल ने हंसते हुए कहा कि जब वो लोग दामनी फिल्म बना रहे थे, तब उन्हें नहीं पता था कि उनकी फिल्म का ये डायलॉग 2.5 किलो का हाथ इतना ज्यादा हिट हो जाएगा कि इतने सालों के बाद भी लोगों को याद रहेगा। सनी ने कहा कि जब उन्होंने दामनी फिल्म की थी, तब यूं ही 2.5 किलो का हाथ वाला डायलॉग बन गया था, लेकिन उस वक्त इस डायलॉग को इतना पसंद किया जाएगा ऐसा किसी ने नहीं सोचा था। गदर ने गदर मचा दी थी बॉक्स ऑफिस पर। सनी देओल और अनिल शर्मा की फिल्म गदर ने 2001 में बॉक्स ऑफिस पर धूम मचा दी थी। इस फिल्म ने उस वक्त 100 करोड़ रुपए कमाए थे, जब 100 करोड़ क्लब का नाम ही नहीं था। गदर ने कई सारे अवार्ड भी जीते थे। गदर के साथ रिलीज हुई थी लगान। सनी देओल की फिल्म गदर और आमिर खान की फिल्म लगान एक ही दिन रिलीज हुई। इन दोनों फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर बेहतरीन कमाई की थी, लेकिन गदर ने लगान से ज्यादा कलेक्शन किया था, क्योंकि ये एक लव स्टोरी थी। जैकी श्रॉफ, संजय दत्त, सलमान खान जैसे कलाकारों के साथ काम कर चुके सनी देओल के साथ एक ऐसा धोखा हुआ कि उन्होंने सोलो फिल्म करने का फैसला कर लिया। 35 सालों में सनी ने बॉलीवुड के कई हीरोज के साथ अनेक सुपरहिट फिल्में दी हैं। जैकी श्रॉफ, संजय दत्त, सलमान खान जैसे कलाकारों के साथ काम कर चुके सनी देओल के साथ एक ऐसा धोखा हुआ जिसे वे आज तक नहीं भूल पाए हैं। दरअसल साल 1993 में आई फिल्म डर में सनी देओल शाहरुख खान के अपोजिट काम कर रहे थे। फिल्म में सनी देओल को हीरो का किरदार मिला था, लेकिन जब फिल्म की शूटिंग हुई तो सनी को समझ में आने लगा कि वो फिल्म के हीरो नहीं है। फिल्म में शाहरुख के किरदार पर ही पूरा फोकस किया गया था। सनी ने फिल्म पोस्टर बॉयज के दौरान बताया, यश चोपड़ा और शाहरुख को पता था कि फिल्म कहां जा रही है, लेकिन मुझे अंधेरे में रखा गया। जब मुझे शाहरुख और मेरे किरदार के बीच का सीन समझाया गया तो मुझे इतना गुस्सा आया था कि मैंने अपने हाथ अपनी जींस की जेब में डाल लिए और गुस्से में अपनी जींस की जेब फाड़ डाली। सनी देओल का पक्ष था कि उन्हें फिल्म से पहले ही ये बताया जाना चाहिए था कि इस फिल्म में शाहरुख खान का किरदार उन पर हावी रहेगा। शाहरुख ने भी इस बारे में जब उनसे कोई बात नहीं की तो सनी देओल ने फैसला लिया कि वो कभी शाहरुख और यशराज के साथ काम नहीं करेंगे। इस फिल्म के बाद सनी देओल ने सोलो फिल्में करना शुरू किया। हालांकि भाई बाबी देओल के साथ वो कई बार स्क्रीन शेयर करते नजर आए और बॉर्डर में भी उन्होंने 4 हीरो के साथ काम किया, लेकिन इन फिल्मों में सनी के रोल का महत्व तो सभी को मालूम है। सनी पाजी का 2.5 किलो का हाथ याद होगा आपको। उनका तारीख पर तारीख वाला डायलॉग भी भूल पाना मुश्किल है। और फिर उनका वो यारा वाला डांस। सनी देओल अपने समय के सुपरस्टार रहे। एक्शन से लेकर रोमांस और कॉमेडी तक उन्होंने एक्टिंग के हर जोनर में दखल दिया। हालांकि उनकी पहचान बनी कि एक गुस्सैल और एक्शन हीरो के रूप में, जो बेहद शर्मीला भी है। इस गुस्सैल और ढिसुम ढिसुम करने वाली रियल लाइफ इमेज के पीछे एक ऐसा लड़का है
जो आज भी अपने पापा से बात करने में डरता है, जिसे अपने पापा से आंखों में आंखें डालकर बात करना आज भी एक खतरनाक काम लगता है। सनी देओल के बारे में ये बातें जानना और यकीन करना कुछ लोगों के लिए मुश्किल हो सकता है, लेकिन है ऐसा ही है। बीते सालों में सनी देओल अपने कई इंटरव्यूज में खुद ये बात कह चुके हैं। सनी ने कहा था, जब मैं छोटा था तो डैड से कभी बात नहीं करता था। अगर मुझे किसी चीज की जरूरत होती थी तो मैं माँ से कहता था और वो मेरी बात को डैड तक पहुंचाती थी। आज भी मैं वैसा ही हूँ। आज भी मैं पापा के सामने खड़ा होकर उनसे फेस टू फेस बात नहीं कर पाता। हम उसी तरह का सम्मान और मूल्यों के साथ पले बढ़े हैं। मेरा बेटा करण भी आज उसी तरह का है। वो अपनी सारी बातें अपनी माँ के माध्यम से मुझसे कहलवाता है। पापा धर्मेंद्र के बारे में सनी ने बताया था, पापा बहुत अच्छे रहे हैं और उन्होंने हमसे कभी किसी चीज के लिए मना नहीं किया। हमें जो करना होता था, माँ को बताना होता था, हम जो भी चाहते थे वो हमें मिल जाता था। एक बेस्ट अभिनेता होने के कारण पापा को 3 शिफ्ट्स करनी होती थी। वो हमें कितना समय देते थे या कम देते थे, इस बारे में कभी शिकायत नहीं रही। वही माँ के बारे में सनी ने बताया था, मैं माँ के बहुत करीब रहा हूँ क्योंकि वो एक ऐसी शख्स रही है जिनके साथ मैं खुलकर बातें कर सकता हूँ। मुझे याद है जब हम बांद्रा में एक छोटे से फ्लैट में रहते थे, ज्यादातर बच्चों की तरह हम भी रोड पर खेला करते थे। इससे ट्रैफिक के कारण माँ को बहुत चिंता होती थी। रोड पर खेलने से वो हमें मना करती थी, लेकिन बाकी बच्चों की तरह हम उनकी बातें सुनते नहीं थे, इसीलिए हमें सख्त डांट भी लगती थी। एक सच ये भी था कि मम्मी जब हमें डांटती थी या मारती थी तो कभी डर नहीं लगता था, लेकिन इस बात से ही सिहर जाता था कि जब पापा मारेंगे तो क्या होगा। उनके जितना बड़ा हाथ उस वक्त देखा ही नहीं था। अब हम बात करेंगे सनी देओल के जीवन की दिलचस्प बातें। 19 अक्टूबर 1956 को जन्मे सनी देओल का वास्तविक नाम अजय सिंह देओल है। घर में उन्हें सनी कहकर पुकारा जाता है और फिल्मों में इसी नाम से आने की उन्होंने ठानी। 80 के दशक की शुरुआत में बॉलीवुड में कई सितारों ने अपनी संतानों को बॉलीवुड में लॉन्च किया। धर्मेंद्र ने भी अपने बड़े बेटे सनी को फिल्म बेताब के जरिए अभिनय की दुनिया में प्रवेश दिलाया। एक दिलेर नौजवान की इमेज सनी के लिए लेखक जावेद अख्तर ने गढ़ी। फिल्म सुपरहिट रही और सनी के कदम बॉलीवुड में मजबूती से जम गए। फिल्मों में लॉन्च करने से पहले धर्मेंद्र ने सनी को विदेश में अभिनय सीखने के लिए भेजा था। पढ़ाई के दौरान सनी अपने पिता धर्मेंद्र की जीन्स पहनकर जाते थे और दोस्तों पर रौ जमाते थे कि ये जीन्स मेरे पापा ने 16 में पहनी थी। सनी देओल अपने पिता धर्मेंद्र को बेहद चाहते थे। धर्मेंद्र का वह इतना सम्मान करते थे कि वे अपने पिता के सामने ज्यादा बोल नहीं पाते। धर्मेंद्र को सनी अपना प्रिय अभिनेता मानते हैं। धर्मेंद्र की फिल्म ब्लैकमेल का गाना पल पल दिल के पास उनका सबसे पसंदीदा गीत है। अभिनेत्रियों में सनी को तनुजा बहुत पसंद है। सनी पारिवारिक इंसान है, संयुक्त परिवार में रहना उन्हें पसंद है। वे अपने पिता और माँ के बिना नहीं रह सकते। सनी देओल फिल्मी पार्टियों से दूर रहते हैं। उनका मानना है कि इन पार्टियों में सारे लोग बनावटी रहते हैं और झूठ बोलते हैं। शराब और सिगरेट से सनी दूर रहते हैं। सिल्वेस्टर स्टेलोन को सनी देओल बेहद पसंद करते हैं और रैम्बो सीरीज की फिल्में उन्हें बहुत पसंद है। सनी ने उस दौर में अपनी बॉडी बनाई जब आम तौर पर हीरो दुबले पतले हुआ करते थे। उनका मजबूत शरीर देख ज्यादातर उन्हें एक्शन रोल निभाने को मिले और उन्हें भारत का अर्नाल्ड कहा गया। सनी को बॉलीवुड के बेस्ट एक्शन हीरो में से एक माना जाता है। बेताब के बाद सनी की कई फिल्में फ्लॉप रही, लेकिन अर्जुन, डकैत, यतीम जैसे फिल्मों में उनका अभिनय काफी सराहा गया। पाप की दुनिया से उन्हें दोबारा सफलता मिली और फिर उन्होंने त्रिदेव, वर्दी जैसी कुछ हिट फिल्में दी। 1990 में प्रदर्शित घायल ने सनी के करियर में अहम मोड़ निभाया। इस फिल्म में उन्होंने शानदार अभिनय के बल पर राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार और फिल्म फेयर बेस्ट एक्टर अवार्ड जीता। सनी को जब घायल में शानदार अभिनय के लिए फिल्म फेयर का सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला तो धर्मेंद्र बेहद खुश हुए। धर्मेंद्र ये पुरस्कार जीतने में कभी कामयाब नहीं रहे। घायल के जरिए सनी ने ही निर्देशक राजकुमार संतोषी को पहला अवसर दिया था। फिल्म के स्क्रिप्ट सुनते ही सनी को अंदाजा हो गया था कि इस पर बनी फिल्म हिट होगी और उन्होंने घायल को अपने बैनर तले बनाया। दिलीप कुमार, देवानंद और राज कपूर की कभी तिकड़ी हुआ करती थी। इस समय खान की तिकड़ी का बॉलीवुड पर राज है। एक दौर ऐसा भी था जब सनी देओल, अनिल कपूर और जैकी श्रॉफ की तिकड़ी का राज हुआ करता था। सनी देओल और आमिर खान की 3 बार फिल्में आमने सामने हुई, दिल और घायल, घातक और राजा हिंदुस्तानी तथा गदर और लगान। तीनों बार दोनों ही फिल्में सफल रही। 2001 में प्रदर्शित गदर एक प्रेम कथा सनी देओल के करियर की सबसे बड़ी हिट रही।
कहा जाता है कि पिछले 15 वर्षों में इस फिल्म के सर्वाधिक टिकट बिके। गदर एक प्रेम कथा को प्रदर्शन के पूर्व ठंडी फिल्म माना जा रहा था और लगान को हॉट। रिलीज के बाद बॉक्स ऑफिस पर लगान की तुलना में गदर ने कई गुना ज्यादा व्यवसाय किया। अब जब गदर 2 की घोषणा हो रही है तो लोगों के बीच उत्साह देखने लायक है। अभी से गदर 2 को 1000 करोड़ फिल्म के रूप में माना जा रहा है, क्योंकि गदर ने बॉक्स ऑफिस पर 100 करोड़ रुपए का बिजनेस किया था, जो आज भी एक रिकॉर्ड के तौर पर देखा जाता है। रिपीट वैल्यू भी बहुत ज्यादा थी। एक ही शहर में उनकी फिल्मों को कई बार लगाया जाता था और हर बार अच्छा व्यवसाय होता था। सन्नी का मानना है कि फिल्म इंडस्ट्री के लोग दिल के साफ नहीं होते और बिना मतलब के कुछ नहीं बोलते। गदर में शानदार अभिनय की बधाई उन्हें सिर्फ संजय दत्त ने ही दी थी। सन्नी देओल को एक्शन हीरो कहा जाता है, लेकिन उन्होंने रोमांटिक सामाजिक फिल्में भी की हैं। बेताब, अर्जुन, डकैत, यतीम, त्रिदेव, घायल, घातक, नरसिम्हा, दामनी, क्षत्रिय, जीत, जिद्दी, सलाखे, बॉर्डर, गदर, यमला पलक दीवाना उनके करियर की उल्लेखनीय फिल्में हैं। डांस और सनी के बीच 36 का आंकड़ा रहा है। सनी कहते हैं कि जिस दिन उन्हें शूटिंग पर डांस करना होता है उनके हाथ पैर फूल जाते हैं। उनका बस चले तो वे किसी भी फिल्म में डांस नहीं करें। अमृता सिंह, श्रीदेवी, डिम्बल कबाड़िया के साथ उन्होंने ज्यादातर फिल्में की। 1995 और 96 में सनी ने जीत, अजय, घातक, बॉर्डर और जिद्दी के रूप में 5 लगातार हिट फिल्में दी थी। सनी देओल फिल्मों में जब मार धाड़ करते थे तो कई बार सिनेमा घर में बैठे दर्शक भी उत्तेजित हो जाते थे और सिनेमा घर की सीटें फाड़ देते थे। पर्दे पर हिंसा का तांडव मचाने वाले सनी निजी जिंदगी में शांत प्रिय हैं। आज के लिए बस इतना ही। आप हमें कमेंट करके बताइए कि सनी के अपोजिट किस हीरोइन को साइन करना चाहिए।